50 साल राज किया है हमने, देखें कैसे चलेगा हमारे बिना ये देश। मणि, ये भोले भाले चाल वाले लोग हैं, इनको 2 घंटा पानी 12 घंटा बिजली इतना ही देने का, इसी में उलझा के रखने का, आदत नहीं खराब करने का, समझा क्या? जज उतने भर्ती करो भैया कि फाइलें धूल खाती रहे, इंसाफ दो पर थोड़ा थोड़ा। पप्पू रुकड़ा नाम है हमारा, यहाँ के कॉपरेटर हैं, अगर दिन दहाड़े किसी का कत्ल भी कर दे तो कुछ नहीं होना जाना, हॉटलाइन पर सीधे विधायक जी से बात होती है हमारी। वो पप्पू शुक्ला, अरे 10वीं फेल है वो ताऊ जी, हम कुछ करता नहीं है, 3-3 बिल्डिंगे हैं, उसके किराए पर जीता है और अपना नेतागिरी का धंधा चमकाता है। अब 25,000 रुपए की सरकारी टीचर की नौकरी देंगे तो क्या 50 लाख भी नहीं लेंगे? 70,000 भर्तियां होनी, 3500 करोड़ सीधा पार्टी फंड में। श्रीवास्तव जी, अरे समझाइए इनको, सांड ने पटका है इनकी माँ को, हमने नहीं। अरे वो तो भाग ही खराब था कि वो गलत समय पर गलत जगह थी, अब इसमें भला मेयर क्या करे। दंगे की तैयारी पूरी है, देखते हैं कब तक टिकेगी सरकार। ये मेरा चक्रव्यूह है, कोई नहीं बचेगा। सलमान मिर्जा ने 120 करोड़ देशवासियों की पीठ में छुरा घोपा है, नया भारत का पतन अब शुरू हो चुका है। कोई रास्ता नहीं बचा है, हमें उन आतंकवादियों को छोड़ना ही होगा। इंशाल्लाह, जब तक हिंदुस्तान में बुजदिल और बेवकूफ नुमाइंदे हैं सरकार में, फिक्र की कोई बात नहीं है जनाब। तुम दौड़ो, हम दौड़ाएंगे, एक के बाद एक मेरे तरकश के तीर खत्म नहीं होंगे। मेरी मीट वाली फैक्ट्री में भेज दो चारों को, हड्डियां भी नहीं मिलेंगी। चार 4,000 करोड़ खर्च कर दिए, पौरा का हो का? ये मेरे देश की इज्जत का मामला है,